पूरे इंडिया में इस समय केजरीवाल द बेस्ट सीएम ऑफ, सबसे बेस्ट सरकार पूरे हिंदुस्तान में, सबसे अच्छा सरकार केजरीवाल सरकार चला रहे हैं दिल्ली को। अब पहले से सुविधा और बढ़ गया है। हमें तो 20 साल हैं होंगे रहते हुए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। तो रिकवरी सेंटर होना जरूरी है, क्योंकि आज हमारे दिल्ली के अंदर में 300 से ऊपर रन बच रहा है। ये आरओ है जो पानी फिल्टर करके साफ देता है। यहाँ 47 है, 47 पूरे टॉयलेट है। अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम है अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं फतेहपुरी के रैन बसेरे में। दरअसल रैन बसेरा क्या होता है, जिन लोगों के पास घर नहीं होता, जो बंजारे होते हैं, उनके लिए निशुल्क सुविधाएं होती है रहने की, खाने पीने की सुविधाएं होती हैं, उनको चादर दिया जाता है, पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, ठंडी के दिनों में कंबले वगैरह दी जाती हैं। तो अभी हम जिस रैन बसेरा पर मौजूद हैं, ये है फतेहपुरी में, पुरानी दिल्ली स्टेशन से एकदम सटे हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जिसको हम अंग्रेजी में DUSIB यानी दिल्ली यूनियन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा है इधर का माहौल, क्या क्या सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। ये जो आप इस तरफ के जितने भी कमरे आप देख रहे हैं, इसमें लोग यहाँ पे रहते हैं, जो भी मजदूर आते हैं, जो भी रिक्शे वाले आते हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो इसमें रहते हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या इनको सुविधाएँ दी जा रही हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं, क्या सही रह रहे हैं, गलत रह रहे हैं, किनकी क्या परेशानी है। आइए सर, आपका नाम सर? चंदन कुमार। चंदन कुमार सर, ओके सर, आप यहाँ के सर क्या हैं सर? केयरटेकर हैं यहाँ का। अच्छा, तो अब बेसिकली आपका काम क्या होता है यहाँ पर? हमारा काम होता है जो भी लोग होता है उनका हेल्प करना, उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जितने लोग आप इनका देखभाल वगैरह करते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं गर्मियों में होती हैं सर? जैसे गर्मियों में यहाँ पे जैसे सुविधाएं आप देख रहे हैं, पंखा है, कूलर है, मनोरंजन के लिए TV है, सारे व्यवस्था है। जो भी प्रॉब्लम होता है इमीडिएट उन पे हम काम करते हैं और इमीडिएट कार्रवाई होता है और इमीडिएट इनकी समस्या का समाधान होता है। अच्छा, तो इनके खाने का क्या सिस्टम है सर? खाने का सिस्टम है, इनका खाना आता है, 3 टाइम खाना आता है, सुबह में ब्रेकफास्ट और टी मिलता है, दोपहर 1 बजे में लंच मिलता है, नाइट में 8 बजे में डिनर मिलता है इन लोगों को। तो रोज़ अलग अलग मिलता है? बिल्कुल, सब्जी दाल वगैरह सारे दिन चेंज होता है, प्रतिदिन मेनू चेंज है। अच्छा, और पानी वानी का सर, साफ पानी है, कहाँ से पानी आता है सर? पानी साफ पानी होता है, हमारे पास रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, वहाँ का ठंडा पानी इन लोगों को पीने के लिए मिलता है। ये आरओ है जो पानी फिल्टर करके साफ देता है, फिर इसमें जाता है ठंडे होने के लिए, कूलिंग के लिए। ये वाटर कूलर है, इसी से लोग पानी पीते हैं। ये हाथ धोने के लिए 2 टोटियाँ लगी हैं हैंड वॉश के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे, अगर आप देखें तो कपड़े धुल के आए हुए थे पिछले थोड़ी देर पहले, यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े धुल के आए थे। तो जैसे यहाँ पे कोई भी आता है रहने के लिए तो इसका पहचान पत्र मांगा जाता है, और अगर इनके पास पहचान पत्र नहीं है तो जैसे होमलेस लोगों के पास कहाँ से आएगा पहचान पत्र? जो भी एड्रेस बताता है उसके लिए ये जो रजिस्टर है, यहाँ से इसकी प्रक्रिया होती है। सर कैसे, क्या है सर प्रक्रिया, एक बार बताएं सर। प्रक्रिया इसमें है कि हम उनका नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, फादर्स नाम लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे कि वो कौन से शहर से है, कौन से गांव से है, कौन से तालुका से है, और सारा एंट्री मैनेजमेंट रखते हैं इसलिए कि ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम हॉस्पिटल भेज सकें, या कोई भी अदरवाइज हो तो उनको उनके घर तक हम भेजने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, अगर मान लीजिए अगर जो लोग यहाँ पे हैं किसी मुद्दे पे अगर उनके बीच में झड़प हो गया तो क्या करेंगे सर? अगर उनके बीच में झड़प हो जाता है तो हम दोनों आदमी को दो तरफ कर देते हैं कि ताकि तुम इधर हो जाओ, दूसरे को दूसरे तरफ कर देते हैं ताकि न दोनों एक साथ बैठेगा न झगड़ा करेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिस्तर पे लोग सोए हुए हैं, यहाँ पर पंखे की व्यवस्था है जो कि पंखा एकदम अपने स्वस्थ तरीके में है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे कूलर भी लगा हुआ है, कूलर भी यहाँ पे लगा हुआ है, और इस तरफ मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा आप इधर दिखाएं, यहाँ पर कूलर भी है जो कि कूलर भी सही चल रहा है, और मनोरंजन के लिए यहाँ पे TV वगैरह भी है। तो आइए इनमें से बात करते हैं हम किसी से। आपका नाम? सतीश। कहाँ के हैं आप? जी, मुरादाबाद। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे आप? 2 साल हुआ। तो 2 साल से आप लगातार इधर ही रह रहे हैं, दिन रात इधर ही, कुछ काम वगैरह भी करते हैं? काम भी करते हैं। किस प्रकार का सुख सुविधा है यहाँ पे, सब ठीक है? किसी प्रकार की समस्या आपको? सब सारी सुविधा है। 3 टाइम का खाना? हाँ जी, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, सब आ रहा है। अच्छा, तो जिस बिस्तर पे आप बैठे हैं अगर मानिए इसका खोल धोना हो, जो बेडशीट धोना हो, पिलो कवर धोना हो, तो इसके लिए धुलता है? हाँ, धुलता है जी। नमस्कार, आपका नाम, आपका क्या नाम है सर? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे सर?
तीन चार साल। ठंडियों में भी आप यहाँ पर रहते होंगे, जैसे आप कह रहे हैं चार साल से रहते हैं, तो ठंडियों में ब्लैंकेट वगैरह मिलता है? रजाई वगैरह सब, गद्दा वगैरह सब मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं मनोरंजन का साधन भी है यहाँ पे, लोग काफ़ी लोग अपने बिस्तर पे ही सोते हुए टीवी को देख रहे हैं, कूलर भी है, फ्रिज भी है, पंखे भी हैं, सब चीज़ है। बिजली कैसी है? बिजली जाती आती है कि हमेशा रहती है कि कभी जाती भी है? नहीं, एक दो बार जाती है, पर इतने टाइम के लिए नहीं जाती जो आदमी दुखी हो जाए। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जो कि अपने लिए सीट रिजर्व कर लेते हैं कि भाई ये हमारा बेड है, अब हम ये तुम्हें नहीं देंगे, किसी प्रकार का जैसे आपस में सौहार्दपूर्वक रहते हैं कि कभी कभार नोकझोंक भी हो जाता है इधर रहने वाले लोग? कुछ नहीं, जिसका बेड है वही सोता है। अच्छा, वहीं सोता है जी। सर आपका नाम? आर्यस तिवारी। सर आप यहाँ के? सर हम केयर टेकर हैं। सर केयर टेकर हैं। सर आप जैसे ये भी केयर टेकर, आप भी केयर टेकर हैं, सर आपका क्या काम होगा बेसिकली? सर हमारा बेसिकली काम है जो भी इनका जो यहाँ रहने वाले हैं उनका केयर करना, उनकी प्रॉपर एंट्री करना, फर्स्ट काम है प्रॉपर एंट्री करना, फिर उनके लिए पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा। तो यहाँ पर कोई भी आके रह सकता है सर? कोई भी, यानी किसी भी जात धर्म का कोई भी आदमी रह सकता है, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है, बगैर आईडी। कितना कितना कैपेसिटी है सर इसमें? हमारे यहाँ करीब 250 इसमें है। 250 एक सेंटर, दो है मिला के 300 तक है। 300 तक लोग यहाँ पर रह सकते हैं? कोट हमारे यहाँ है, एक 11 है, एक 66, 11-66 मिला के दोनों 300 आदमी। अच्छा, यहाँ पे मतलब 300 लोग रह सकते हैं। सर जैसे ये लोग बता रहे हैं, सर खाने पीना का भी कोई ज़्यादा समस्या है नहीं? कोई समस्या नहीं, खाना क्या है, सुबह नाश्ता आता है रोज़ बदल के। और सर यहाँ का सर जैसे बेडशीट वगैरह धोने के लिए, सर पिलो वगैरह धोने के लिए कौन धोता है सर? क्या केयर टेकर यहाँ के कंट्रीब्यूट करते हैं सर कुछ पैसा? हम लोग धुलाई कराते हैं अपने आप से धुलाई कराते हैं, आदमी लगा के पैसे दे के। आपका नाम? राजू। राजू कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोंडा जिला का। अच्छा, तो जितने दिन से रह रहे हैं सुख सुविधा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब अच्छा है कि किसी प्रकार की समस्या है यहाँ पे रहने के लिए? नहीं भाई, समस्या कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं कि केयर टेकर साहब खड़े हैं तो एकदम सही सही बोल रहे हैं? ये साहब बात नहीं, ये साहब नहीं थे जब से मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई चीज़ का परेशानी नहीं है, अब पहले से सुविधा और बढ़ गया है। पहले जैसे किस तरह का पहले था और किस तरह का अब है? पहले खाना ना नहीं मिलता था, अब तो खाना दोनों तीनों टाइम मिलता है। दरिया थी मैं जो, उसमें बड़े बड़े जुई थे, अब ये तो बेड हो गया। जब मैं पहले था ना तब ये बेड नहीं था, अब घूम के आया हूँ 3 साल बाद बेड आ गया। तो बेडशीट वगैरह धूल वूल के आ जाता है? पानी वगैरह की कोई समस्या नहीं है? खाना की कोई, बिजली की कोई समस्या नहीं? कोई परेशानी नहीं पड़ता हम लोग को। अच्छा भाई, दिल्ली जो 6 इलाका है, ये सुनने में आता है कि भाई तगड़ा है चोरी वोरी के लिए, तो जिस तरह इधर इतने सारे लोग रहते हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो क्या इधर चोरी वोरी का मामला है? चोरी मामला नहीं है। आपके रहते हुए कभी चोरी वोरी का मामला आपने नहीं देखा? कहाँ चोर रहते थे, अब तो नहीं है। तो अब दिल्ली, तो आप दिल्ली सरकार से खुश हैं? हाँ, सरकार को खुश तो नहीं है। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम केदारनाथ गुप्ता है। केदारनाथ, कहाँ से हैं आप? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी। अच्छा, कितना साल हो गया यहाँ पे रहते हुए? यहाँ करीब करीब 10 साल के करीब हो गया मुझे रहते हुए। तो आप सरकार बदल में भी आप इधर ही होंगे? हाँ, उस समय मैं इधर ही था, काफ़ी बेनिफिट मिला हुआ हमारे केजरीवाल सरकार से, इन्होंने इनके समय से हमारी पेंशन भी चालू हुई है, पहले तो पेंशन नहीं था लेकिन अभी जो है पेंशन भी मेरी चालू हो चुकी है केजरीवाल के समय से। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि इधर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लिए हथियार लेते हैं कि भाई ये अपना बेड है, इसमें हम नहीं सोएंगे, इस प्रकार का ऐसा कुछ? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जिसको जो पहले आ जाता है चल भाई, ये नहीं कि हमारी ये बेड है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा, तो बेडशीट वगैरह भी धूल वूल के आ जाता है, पंखा है, कूलर है, मनोरंजन का साधन है, टीवी वगैरह देखते हैं कि नहीं? टीवी देखता हूँ, न्यूज़ वगैरह बराबर देखते रहता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए अखबार की सुविधा है कि नहीं, क्योंकि हर एक नागरिक को अखबार जरूर पढ़ना? न्यूज़पेपर तो नहीं आता यहाँ पर, उसकी एक कमी, और दूसरा कमी है कि जैसे मान लीजिए कि रिकवरी सेंटर, हमारे दिल्ली के अंदर में रिकवरी सेंटर पहले जमुना बाज़ार में था उनका, तो दिल्ली में मुश्किल से 4 या 5 रिकवरी सेंटर है, तो रिकवरी सेंटर होना जरूरी है, क्योंकि आज हमारे दिल्ली के अंदर में 300 से ऊपर रैन बसेरा है, और रिकवरी सेल्टर जो है दिल्ली के अंदर में मुश्किल से 5 या 6 रिकवरी सेल्टर होगा, इसके ऊपर नहीं है, तो रिकवरी सेल्टर होना जरूरी है। और जैसे कि अभी हमारे जो 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 हमारे दर्शक देख रहे हैं, हाँ, उनको रिकवरी सेल्टर आप थोड़ा बता दें, रिकवरी सेल्टर क्या होता है? मतलब जैसे कि कोई हॉस्पिटल गया, उसको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और रिकवरी सेल्टर में ये होता है कि जैसे कि उसको सारा खाना पानी रहने की व्यवस्था उसकी सेपरेट होती है। ऐसा है कि नहीं सर, एक हफ्ते में चाहे कितने बार कोई मेडिकल चेकअप के लिए कोई आ रहा है कि नहीं? हाँ, वो आते रहते हैं। कितनी बार, एक हफ्ते में कितने बार? एक हफ्ते में एक बार आते हैं।
एक बार आते हैं आप लोगों को एकदम दवाई वही अच्छे से मिल जाता है कोई बीमारी है तो? हाँ, दवाई वगैरह सब देते हैं। और कहीं इसी बीच अगर आप बीमार हो गए तो, इसी बीच बीमार हो गए तो इमरजेंसी के लिए भी हम फोन कर देते हैं, लोग केयर टेकर लोग फोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलवा देते हैं। यहाँ के केयर टेकर लोग एकदम आपको हर चीज़ की सुविधा प्रदान करते हैं, किसी प्रकार का कोई और ज़्यादा समस्या है तो वही रिकवरी सेंटर की प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए किसी को हॉस्पिटल गया, वहाँ से आया, फिर वो कहाँ रहेगा बेचारा, कहाँ खाना पानी करेगा, उसको चलने फिरने की और जो है वो खाने पीने की चलने फिरने की दिक्कत होती है। और रिकवरी सेंटर से बेनिफिट ये होता है कि भाई सारी रिस्पांस उनकी रहती है, वो खुद वो देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से कुछ पूरे दिल्ली में 5 या 6 वहाँ जामा मस्जिद में भी है। अच्छा, तो यहाँ पर बस अखबार आता है सर? जैसे ये बोले अखबार नहीं आता तो अखबार आता है? अखबार हमारे काउंटर पर आता है। अच्छा, आपके काउंटर पे आपको लेना है, ले पढ़ पढ़ रहा होगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि काफी सारे और शेल्टर में लाइब्रेरी भी है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी की कहीं सुविधा है? लाइब्रेरी मेरे पास। तो जैसे कोई आदमी यहाँ पे रहने आता है तो क्या क्या इसके पास पहचान पत्र होने चाहिए? पहचान पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो भाई होमलेस है, होमलेस का कोई पहचान क्या, उसको तो शरण देना है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। अच्छा, यहाँ पे साफ सफाई किस तरीके का होता है? साफ सफाई दो वक्त होता है, सुबह शाम, दो टाइम आते हैं साफ सफाई करने वाले? नहीं है, कर्मचारी हैं, दो कर्मचारी हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे केयर टेकर के अलावा कुछ लोग यहाँ पे साफ सफाई वाले भी हैं? साफ सफाई का स्टाफ है। तो जैसे आप बता रहे थे 300 हैं, तो कितने केयर टेकर हैं 300 पे? 300 पर 8 केयर टेकर हैं, हर शिफ्ट अलग अलग है ना, हर शिफ्ट पर 2 केयर टेकर। और अगर माने इनको किसी के बारे में कंप्लेन लिखना है कि भाई ये चीज़ ख़राब हो रहा है, इस चीज़ की सुविधा नहीं मिल रही है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, आप हमारे पास करें, ये कंप्लेंट बॉक्स है और ऊपर देखना है, कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट करें। इस तरह का यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स है जहाँ पे लिखा है सजेशन बॉक्स फतेहपुरी, यहाँ पे है, यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर ये जो है इसमें डाल देंगे, केयर टेकर आके निकालते हैं। केयर टेकर नहीं निकालेगा, सुपरवाइजर। अच्छा, सुपरवाइजर हमारा जो हेड है जो कार्रवाई कर सकता है संबंधित, मान लो हम कोई गलत काम करते हैं तो हम सुपरवाइजर, हम तो निकाल लेंगे अपनी कंप्लेंट, लेकिन सुपरवाइजर निकालता है थर्ड पार्टी। तो अगर आप किसी भी रैन बसेरा में जाते हैं और अगर आपको किसी प्रकार का समस्या दिखता है तो आप इस नंबर पे 1800118789 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। रैन बसेरा में संबंधित शिकायतों के लिए निशुल्क कॉल सेवा, इतना टोल फ्री। आपका क्या नाम है? आदेश। आदेश नाम है, कहाँ के हैं आप? यूपी के फरखाबाद। ये बताइए, यहाँ पे जो ये कंप्लेन बॉक्स है जहाँ पे आप अपनी दिक्कतें चाहे अपनी शिकायत कर सकते हैं, कभी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? है आपकी है कि नहीं? हमने तो इधर नहीं किया, मतलब आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं इधर का? नहीं हुई यहाँ, हमें तो 20 साल हैं होंगे रहते हुए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई कभी। और सर वॉशरूम किधर है सर, इधर टॉयलेट किधर है सर? रैन बसेरा का वॉशरूम है, टॉयलेट है, शौचालय है। आइए देखते हैं आपकी साफ़ सफाई कैसी है। और साफ़ सफाई भी है यहाँ पर, लाइट की भी सुविधा है यहाँ पर, इंडियन में जिसको सुविधा पड़ रहा है, और इधर वेस्टर्न भी है, तो दोनों तरीके का वॉशरूम अवेलेबल है सर। अगर देखा जाए तो बाल्टी भी है, मग भी है, पानी आता है कि नहीं? पानी भी आ रहा है। और लगभग कितने होंगे सर यहाँ पे टॉयलेट? यहाँ पे 47 हैं। 47 पूरे टॉयलेट हैं। सर आपका नाम? बिमलेश कुमार। सर किसी प्रकार की शिकायत देते हैं कि नहीं? कभी कभी जब गंदा होता है तो कोई शिकायत करता है आपसे? नहीं, गंदा यहाँ होता ही नहीं है, हम लोग तो दिन भर में तीन बार चार बार सफाई करवाते रहते हैं इसका। तो क्या कोई आता है, जैसे इन्होंने कहा जो इधर की जो सफाई होती है वो 2 बार होती है, तो यहाँ का सफाई करने वाला कोई अलग आता है? यहाँ मतलब अलग लड़का अलग रहता है। अच्छा, सेक्शन अलग, यहाँ पे 2 से 3 बार सफाई होता है जी, जी। और ये इधर का स्नान घर है। अच्छा, सब बंद है, यहाँ पे लोग नहाते हैं सर? ये तो हो गया स्नान घर, ये क्या है सर जो अकेले में है इधर? अच्छा, ओपन स्नान घर है, तो आप देख सकते हैं एनक्लोज्ड में भी आप नहा सकते हैं, इस तरह आप एनक्लोज्ड में भी नहा सकते हैं, और आपके पास ओपन स्नान घर भी है इधर। इधर काफ़ी लोग नहा रहे हैं और यहाँ की भी साफ सफाई अच्छी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहुँचे, ये एक ऐसा कैबिन है जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो ज़्यादा वृद्ध हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे दिवाली होली पे सजावटें भी होती रहती हैं। अगर आप चार्जिंग के लिए देखिए तो चार्जिंग के लिए ये सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पे। ये लोग अपना पर्सनल फ़ैन भी लगा रखे हैं चार्जिंग के लिए। यहाँ पे टीवी के लिए हर कमरे में टीवी है, तो अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर दिखाएं तो इस तरीके से इसके ऊपर कपड़े भी पसारे हुए हैं। काफ़ी लोगों से हम अभी बात कर रहे थे तो हमें पता चला यहाँ पे जो वृद्ध लोग हैं उन्हें पेंशन मिलता है। तो सर आप ये बताइए, किन किन हर सभी वृद्ध को पेंशन मिलता है या फिर किसी एक वर्ग को? जो अपना एक्टिव है, जाके बनवा रहा है या कैंप लग रहा है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, जो यहाँ का जो आईडी लगा रखा है यहाँ की। अच्छा, तो जो वृद्ध यहाँ पे रह रहे हैं उनको पेंशन मिलता है, किस प्रकार से, क्या प्रक्रिया है, इसको क्या करना पड़ेगा? अगर वो दिल्ली में 5 साल रहा है और यहाँ का प्रूफ है तो उसको मिलता है।
इन इन बाबा के बारे में बताया जा रहा था, जैसे इनको पेंशन नहीं मिलता, ऐसा इसका क्या कारण, इनको पेंशन नहीं मिलता है लेकिन ये नहीं जा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो क्या करोगे? अच्छा, मतलब इनके पास पहचान पत्र है लेकिन खुद से नहीं जा रहे हैं बनाने के लिए? ये बिहार से लेना चाह रहे हैं। अच्छा, बिहार से लेना चाह रहे हैं। बिहार से याद आया कि जिस तरीके की सुविधा यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार ये देखे, क्योंकि वहाँ के रैन बसेरे का हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर है, तो वहाँ यहाँ से प्रेरणा लें। बाबा जी, आपका नाम? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, तो आप कहाँ के हैं? बिहार। अच्छा, तो बिहार से यहाँ पर कैसे? आई कांट आंसर योर दिस क्वेश्चन, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ की सुविधा के बारे में बताइए, यहाँ के किस प्रकार का सुविधा, जो सुविधाएं हैं आपको अच्छी मिल रही हैं? इतनी सुविधा तो मैं कल्पना करके जब बिहार से चला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आराम से दिल्ली में समय बीतेगा, जो बात है। हाँ, मुझे ये होप एकदम नहीं था कि इतना आराम से यहाँ मॉर्निंग में चाय आती है, ब्रेकफास्ट आता है, दोपहर में 1 बजे फूड मिलता है और रात में भी फूड मिलता है। यानी अगर आदमी थोड़ा रिजर्व एंड प्रिजर्व हो तो बिना एक्स्ट्रा 1 NP खर्च किए हुए भी मेंटेन अपने को कर सकता है। और जो यहाँ के केयर टेकर हैं, आपको एकदम बढ़िया से देखभाल करते हैं? ऑलमोस्ट ऑल राइट, दे ऑल राइट। अच्छा, किसी प्रकार की समस्या नहीं है आपको? नो प्रॉब्लम। जैसे हम वहाँ से हम काफ़ी लोगों से बात कर रहे थे तो इन लोगों ने कहा कि इन लोगों को पेंशन मिलता है और ये लोग कह रहे हैं कि आपके पास भी पहचान पत्र है लेकिन आप खुद से ही नहीं जा रहे पेंशन लेने, तो इसका क्या है? अब मैं चला गया था बीच में घर, अब मेरा 5 साल कंप्लीट हो रहा है आधार कार्ड या वोटर कार्ड को, तो अब देखेंगे, ट्राई करेंगे। ऐसे भी अब हम मने कम ही रुचि है मेरी सब में, कुछ हम इस तरह के मियाज के भी हैं कि मेरा कम में रुचि है, कम में चल जाता है। अच्छा, तो कितने साल से रह रहे हैं आप इधर? इस समय मैं 7 ईयर्स हो गया कंप्लीट। 7 साल से रह रहे हैं? हाँ। तो अच्छा, तो पेंशन की आपको मतलब गरज नहीं लगती है, मतलब ज़रूरी नहीं लगती है, आप इसलिए नहीं बनवाते पेंशन? मैं घर से ही पैसा मंगाता हूँ। अच्छा, घर से पैसा आता है? हमको 3000 करीब आ जाता है। अच्छा, तो दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल की सरकार है, इसके तहत ये DUSIB है और इसके तहत ये NGO है SPYM, तो आप दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का काम कर रही है इस क्षेत्र में दिल्ली सरकार? वेरी फाइन, वेरी ग्रैंड, गुड एंड द ग्रेट कह सकते हैं आप इसको। पूरे इंडिया में इस समय केजरीवाल द बेस्ट CM ऑफ, सबसे बढ़िया, क्या बोल रहे थे? सबसे बेस्ट सरकार पूरे हिंदुस्तान में, सबसे अच्छा सरकार केजरीवाल सरकार चला रहे हैं दिल्ली को। इंडिया का कोई रिवार्ड निर्धारित किया जाए तो उसका मास्टर केजरीवाल होल्डर। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग इतना ज़्यादा खुश हैं कि कह रहे हैं कि बेस्ट अवार्ड अगर किसी मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए तो वो केजरीवाल है। ये देखिए, तो ये भावुक हो गए हैं केजरीवाल के लिए। क्या आप पूछना चाहते हैं? आप केजरीवाल तो बेस्ट CM, एक नंबर के। आप देख सकते हैं कि इनके आंखों में आंसू आ गया है भाई, बहुत अच्छा सरकार दिल्ली को बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, केंद्र में केजरीवाल सरकार आए? आ जाए तो बेटर देन आल्सो, आ जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है, अगर आ जाए केंद्र में आ जाए और भी बढ़िया है। तो जैसा कि हमने यहाँ काफ़ी लोगों से बात किया, उन लोगों ने कहा कि उन्हें अच्छा चाय की सुविधा मिलती है, रोज़ अलग अलग खाना आता है, यहीं पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, काफ़ी लोगों से बात किया, काफ़ी लोगों को पेंशन मिलता है, बहुत खुश हैं ये लोग केजरीवाल सरकार से। जैसे कि बिहार में अगर आप जाएँ तो रैन बसेरा की जो स्थिति है बहुत ही बदतर है, क्योंकि वहाँ पर नगर निगम के अंडर है और इसके लिए DUSIB एक अलग ही ब्रांच है। अगर आप देखें तो SPYM या ये NGO है जिसके तहत यहाँ पे सारा खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। और जो मेन बात, अगर आप किसी को देखते हैं सड़क के किनारे कहीं पे भी, तो आप इसे कोशिश करें खुद से कि आप इसे रैन बसेरा तक पहुँचा दें। अगर आप देख सकते हैं तो ये नंबर है 011-233-78789, सपोर्ट होमलेस। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देशित न्यूज़।